This conference will now be recorded. Like S3 storage. So this is S3 storage. The S3 storage ka basically kaam kya hai? You can store any kind of data. Store any kind of data. आप इसके अंदर किसी भी काइंड यानी कि किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्मेट का डेटा स्टोर कर सकते हो. दैट मीन्स इट सपोर्ट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो पहले मैं बता चुका हूं कि एक होता है हमारा डेटाबेस जो कि एसक्यूएल होता है जो कि हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को सपोर्ट करता है. बट जो S3 स्टोरेज है इट सपोर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. आप किसी भी स्ट्रक्चर का डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो. Now the concern is this. Secondly, जो स्टोरेज सर्विसेज है ना इट इज अ ग्लोबली. ये आपका ग्लोबल लेवल पे काम करता है. ग्लोबल का मतलब है कि आपने जब भी आप स्टोरेज अकाउंट का कोई भी नेम लिखोगे तो वो इंटायर ग्लोबल लाइक का सेम एज यूर ईमेल आईडी. कि अगर आप जीमेल पे ईमेल आईडी बना रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए पहले. इसी तरीके से आप जब भी स्टोरेज अकाउंट बनाओगे तो वो स्टोरेज अकाउंट AWS के जितने भी रीजंस हैं उन सब में कॉमन यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए उसका. दैट मींस कि दिस इज अ ग्लोबल सर्विस. ग्लोबल सर्विस का मतलब है कि इंटायर AWS में उस नाम से वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी. गॉट इट द पॉइंट? दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल. लाइक द टूडे सिनेरियो इज आज का जो हमारा सिनेरियो है लैब का वो सिनेरियो क्या है. आई एम क्रिएट अ टू स्टोरेज अकाउंट. दिस इज अ स्टोरेज अकाउंट वन. इन मुंबई Mumbai region के अंदर. And now I'm create another storage account in Singapore location. Now I'm create another storage account in Singapore location. Storage 2 in Singapore. सिंगापुर लोकेशन पे सेकंड स्टोरेज अकाउंट. नाउ इनेबल द वर्जनिंग. और इन दोनों स्टोरेज अकाउंट्स पे मैं वर्जनिंग इनेबल कर रहा हूं. इनेबल वर्जनिंग एंड नाउ द सेम एज आई एम इनेबल द वर्जनिंग. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू portal and then search in S3 and create two accounts. So this is the one account is already created. I'm just delete this account. I'm created this account in yesterday if you remember. Now the create a storage account and like the name of storage account STORAGE storage one in Asia Pacific Mumbai region. And now I'm just go to the access control list and object writing. I'm just click on this object writer and unblock the public access. And I acknowledge. What is the meaning? I'm just give the public access to this bucket. कि जो मैं bucket यहाँ पे बना रहा हूँ storage one से,
इन मुंबई लोकेशंस, मैं चाहता हूं कि अगर उसके अंदर मैं कोई भी डेटा अपलोड करता हूं तो उसको वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे हम कहीं भी एक्सेस करके देख सकते हैं, तो उसके मैंने यहाँ पर राइट्स एलोकेट करे हैं। नाउ दैट इनेबल द वर्जनिंग ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट एंड क्रिएट। सो दिस अकाउंट नेम इज ऑलरेडी एक्सिस्ट, तो लाइक अ स्टोरेज वन ICCP एंड देन क्रिएट। सर दिस वर्जनिंग में स्टोरेज, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, डोंट वरी। देन नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बकेट, देन STORAGE स्टोरेज टू ICCP इज इन इन सिंगापुर लोकेशन। So I'm select the Singapore, or you can see here it's showing globally. So I'm select in Singapore location. Now ACL enable, object writer, give the public access and enable the versioning and then create bucket. So guys, first of all, I'm created two buckets in two different locations. And now the every buckets is a public access is available. Is it clear how to create buckets? Yes, sir. Guys, now between these buckets, I'm enable replication. Between these buckets, I'm enable replication. Enable replication. So guys, why I'm enable the replications, like if any data is upload in storage account, it's automatically one copy is replicate to the storage too. Got it everyone? If like I'm just upload the data one here, the automatically the data one copy is saved in storage too. That's why I'm enable the replication कि मेरा एक कॉपी यहां पर डेटा वन की है तो उसी की एक कॉपी मेरे स्टोरेज टू के अंदर भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इनेबल द रेप्लिकेशन। बट यू आर इनेबल द रेप्लिकेशन, द बिफोर इनेबल द रेप्लिकेशन द वर्जनिंग इज इनेबल इन अ बोथ स्टोरेज। अगर आपकी वर्जनिंग इनेबल नहीं होगी तो आपका रेप्लिकेशन भी इनेबल नहीं होगा। गॉट इट द पॉइंट एवरी वन? वाई आई एम एनेबल द रेप्लिकेशन बिटवीन बकेट, इज इट क्लियर? यस सर। सो हाउ टू इनेबल द रेप्लिकेशन, आई एम जस्ट गो टू एनी बकेट। सपोज करो दिस इज माई सोर्स बकेट एंड दिस इज माई डेस्टिनेशन बकेट। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा सोर्स के अंदर कोई भी डेटा अपलोड होता है तो उसकी एक कॉपी मेरे डेस्टिनेशन बकेट्स पर क्रिएट हो जाए। सो हाउ टू इनेबल द रेप्लिकेशन, आई एम जस्ट गो टू स्टोरेज वन एंड देन गो टू द मैनेजमेंट एंड क्रिएट रेप्लिकेशन रूल्स। सो यू कैन सी द स्टोरेज वन, सो सोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोरेज वन मेरा है, तो क्रिएट अ एप्लीकेशन रूल नेम लाइक का मुंबई टू सिंगापुर। आई एम क्रिएट अ वन रूल द मुंबई टू सिंगापुर। द सोर्स बकेट इज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द सोर्स बकेट एंड द डेस्टिनेशन बकेट, आई एम सिलेक्ट द डेस्टिनेशन, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज एंड सिलेक्ट द स्टोरेज टू इज माई डेस्टिनेशन बकेट। After that, I'm not get any roles right now and save. So role, I'm just create a new roles and then save. So guys, I'm just enable the replication between these buckets. So maine replication bhi enable kar diya. So I'm enable the replications and I'm create two buckets. Now also I'm just add one SNS service.
and create one SNS service and attach this SNS service with bucket. I'm attach this SNS service with bucket, one side in with bucket, and second side with attach this through my mailbox. This is my mailbox. What is the use of SNS? The simple notification service. If anyone can upload data in my storage account, so it give me the alerts कि वो जो डेटा है वो पर्टिकुलर किस लोकेशन से किस टाइम पर क्या साइज है वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मेरी मेल आईडी पर भी एक नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर दे कि इफ एनी डेटा इज डिलीट इन माय स्टोरेज अकाउंट और इफ एनी डेटा इज अपलोड इन माय अकाउंट सो एनी टाइप्स ऑफ चेंजेस मेरे डेटा के साथ अगर कुछ भी होता है स्टोरेज अकाउंट के अंदर तो मेरे को उस चीज के क्या मिल जाए अलर्ट्स मिल जाए मेरी मेल बॉक्स में. That's why I'm using the SNS service. So now how to create SNS service and how to attach SNS service with storage account and mailbox. So I'm first of all create a one SNS service. I'm just go to the search bar and type the SNS. Simple notification service. Aur pehle bhi hum ek baar SNS service bana chuke hain guys. Aap sabhi ko pata hai iske baare mein. And this is the topic one. तो मेरा ऑलरेडी एक एपीए तो आई एम जस्ट डिलीट दिस वन. आई एम डिलीट दिस टॉपिक एसएनएस सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन. सो दिस इज अ सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल. And now I'm create a new SNS service. So how to create a new SNS service? I'm just go to the topic and create topic. And I'm create a standard. There's a two types of SNS service. Pehla ek is those sequence mein aapke paas message hai. First in, first out, so you can select the FIFO. Ye standard ki koi bhi pehle message aa sakta hai. I'm select the standard and give the name is like a my alert. My storage alert, my SNS. Yeah, I'm just give the my SNS, or I'm just give the display name. कि किस नाम से मेरे को SNS लगे? So like STOGE storage ALART alert. So I'm just create a my service name is SNS is my SNS, and the display name is storage alert, and I'm access policies to the everyone, and create topic. After that, I'm just take a subscriptions कि मेरे जो SNS है वो मेरे को कहां पर मिले. तो मैंने एक SNS सर्विस तो बना दी. So I'm just click on the subscription and create a subscription and select the SNS service and select the protocol types is like a email and I'm receive the my subscription is iccpinfotech@gmail.com iccpinfotech@gmail.com. And now the create a subscription. And guys, you can see कि मेरा जो subscription है, वो अभी pending state में आ रहा होगा. Now I'm just go to the my email ID and confirm the subscription. So now the storage alert, you can see the subscription is coming with the name of storage alert. And now I'm just click on confirm. And the my subscription is confirmed. And now I'm just delete this one. There's a no any mail is available with the name of storage alert. So now you can see or refresh this subscription. So pending से ही अब confirm हो गया. Got it. So my SNS service is ready to use. Now कि मेरा SNS service बन चुकी है. अब now I'm attach this SNS service with the storage. So I'm just go to the storage account and then go to the storage account property. But guys, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर. It's an important part कि
we are correct at two storage account. This storage two account is available in Singapore. So if anyone can upload the data in storage two, this SNS service not give the notification because this SNS service deploy for Mumbai. So Mumbai storage account के alert तो आपको मिलेंगे, लेकिन storage two के नहीं मिलेंगे. अगर आप storage two के जाते हैं, तो आपको Singapore location में एक और SNS service बनानी पड़ेगी. So this is a region specific service कि SNS service अगर आपने Mumbai region में बनाई है, तो it's give you the alerts only the Mumbai region. It's not give you the alerts any other resource deploy in a other region. Got it the point, guys? Yes, sir. Clear. Now I'm just go to the storage one because the storage one is available in Mumbai region and my SNS service also is available in Mumbai region. Then go to the property. और गाइस अगर आप वर्जनिंग को डिसेबल करना चाहते हैं तो एडिट करके यहां से डिसेबल कर सकते हो. टैग को देना चाहते हो टैगिंग दे सकते हो. हम जस्ट गो टू द इवेंट, इवेंट नोटिफिकेशन, क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन, गिव द नेम ऑफ इवेंट लाइक माय अलर्ट एंड आई एम जस्ट गिव द ऑल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड ऑल ऑब्जेक्ट इज डिलीट रिमूव्ड. तो मैंने दो लगा दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट आप करते हो, बाकी अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. एंड नाउ सिलेक्ट द सर्विस नेम इज एसएनएस एंड नाउ सिलेक्ट द सर्विस माय एसएनएस. तो जो एसएनएस सर्विस बनाई थी वो आपको यहां पर शो होने लग जाएगी एंड सेव चेंजेस. नाउ गाइस आई एम अटैच दिस एसएनएस सर्विस विद अ मेलबॉक्स एंड storage account also. Now I'm just go back to here and then I'm refresh again. So you can see there's a no any alerts is available. Now you can check the next point. Okay, I'm just attach this SNS service with my mailbox and with storage account also. Now this is the one system is available, like this is a Badal system or Rajat system, and Rajat create a one data file is in data. And now the Rajat upload data in our storage one. Is upload data in storage one. So like upload data in storage one. Storage one. So it's give me the alerts. वो मेरे को इस सिस्टम का आईपी एक अलर्ट मेल मेलबॉक्स पर भेज देगा, as well as वो डेटा आपका कहां पे अपलोड हो जाएगा, स्टोरेज वन पे. बट हमने क्या करा हुआ है, रेप्लिकेशन एनेबल करा हुआ है, तो उसकी एक कॉपी स्टोरेज टू के अंदर भी हमारी अपलोड होनी चाहिए. गॉट इट द आउटपुट गाइस, सिनेरियो समझ गए गाइस क्या आउटपुट आना चाहिए. तो नाउ आई एम क्रिएट अ वन फाइल विद द नेम ऑफ स्टोरेज, लाइक आई एम क्रिएट अ वन टेक्स्ट फाइल विद द नेम ऑफ डेटा. Or now I'm just type here welcome, welcome to INDIA India day one work. Suppose करो पहले दिन आपने यहाँ पे काम करा day one work, और इस डेटा को काम करने के बाद आपने कहाँ पे अपलोड कर दिया, स्टोरेज अकाउंट पे. So you can just click on storage one. And upload data, or I'm create a file, so I'm just click on the add file and select the file in desktop with the name of data and upload. And close. Guys, you can see the file size is 27 byte. Got it the point? The data is uploaded successfully. Yes or no? Yes. Now sir. I'm just upload any other data. I'm just click on upload, add files, and I'm just click on like cloud ICCP. 1.4 MB is data size, and now click on upload. So guys, I'm upload the two data file. One is data
and second is cloud ICCP. Now you can see the IP of my system IP, my public IP. So I'm just type the my IP. So now guys, this is my IP 195.57. Now you can see there the one alert is coming for Amazon S3. And it give you the record event, this S3 reason, AP South 1, the date of this, time is this. Object is created. Put ka matlab hai ki maine ek object kya kara hai, create kara hai. Particular kis IP se, is system IP se wo create hua hai. Give the name of configure round is my alert ke naam se bucket mein aaya hai. क्या है स्टोरेज का नाम, स्टोरेज वन आईसीसीपी जो ऑनर है. साइज क्या है, डेटा टेक्स्ट कितने साइज का है, 27. गॉट इट द इंफॉर्मेशन. वो उसने मेरे को एक अलर्ट दे दिया मेरी मेल पे. मैंने एक और डेटा अपलोड करा था, ये देखिए यहाँ पे एक और मेल मेरे पास आ गई है. सेम ही आईपी से मैंने करा है, इस बार टाइम चेंज हो गया है और इस बार नाम क्या है, स्टोरेज वन के अंदर ही है और डेटा का नाम क्या है, क्लाउड आईसीसीपी पीपीटी. Got it the point, guys? This is the work of SNS service. Yes, sir. Now I'm create. मैंने storage 2 के अंदर तो कुछ upload ही नहीं करा ना, if you remember. So now मैंने but replication enable करा था. Replication का काम है कि if any data upload in storage 1, the automatically comes in storage 2. So I'm just click on storage 2. You can see the both files are coming automatically. Got it the point? Now the name of versioning. So आप देखिए versioning का meaning क्या है guys. Versioning का meaning है कि like मैंने यहाँ पे welcome to India day one work लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ like hello India day two. Hello India day two और मैंने इस file को क्या कर दिया, save कर दिया. यानी कि मैंने पुराने वाले वर्क को क्या करा, डिलीट करा और नए वर्क को सेव करके और अपलोड कर दिया. आई एम जस्ट अपलोड डेटा इन आर स्टोरेज वन. कहीं देखिए 27 बाइट्स की पहली फाइल है, आई एम जस्ट अपलोड अ न्यू फाइल. तो ये क्या करेगी, सेम नाम से फाइल है तो ऑटोमेटिकली पुरानी फाइल के साथ मेरी नई फाइल को रिप्लेस कर देगी. इट नॉट गिव मी द एनी एरर, इट जस्ट रिप्लेस. और मेरी जो नई फाइल है वो 17 बाइट की है. नाउ द पुरानी बाइट की फाइल मेरी क्या चली गई, गायब हो गई और नई फाइल आ गई. नाउ अब मैं अगर दोबारा से यहां पे फिर से कोई यूजर आता है और वो यहां पे लिखता है लाइक हेलो दिल्ली डे 3 एंड नाउ आई एम जस्ट अगेन अपलोड दिस डेटा. तो अगेन दोबारा से अगर आप इस फाइल को सेम ही फाइल को दोबारा से अपलोड करोगे तो वो क्या करेगी, दोबारा से इस फाइल को रिप्लेस करके आपको डे 3 वाली फाइल डिस्प्ले करेगी. और अगर आप देखना चाहते हो इस डेटा को सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस डेटा. एंड डेटा को क्लिक करने के बाद यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल ऑब्जेक्ट एक्शन. और ऑब्जेक्ट एक्शन में यहाँ पे आ रहा है मेकअप पब्लिक, यानी कि मैं ये यूआरएल आप लोगों को शेयर कर रहा हूं. आई एम जस्ट कॉपी एंड शेयर विद यू इन आर चैट बॉक्स. मैं इस यूआरएल पे आपको क्लिक करा और मैं इस यूआरएल को अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा भी ओपन नहीं होगा. इट गिव मी द एरर. क्यों, क्योंकि मैंने बकेट्स को क्या दिए, राइट दिए हैं पब्लिक एक्सेस के, बट मैंने इस कंटेंट को राइट नहीं दिया. सो मेरे को इस कंटेंट को राइट देने हैं तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और मेक अ पब्लिक वाया ACL एंड मेक पब्लिक. अब मैंने इसको मेक पब्लिक कर दिया. सो नाउ इफ आई एम रिफ्रेश शो मी द फाइल हेलो दिल्ली डे 3. यानी कि अभी मेरे जो स्टोरेज अकाउंट में है वो कौन सा डेटा दिख रहा है, करंट डेटा दिख रहा है. दिस इज अ फाइल ऑफ डेटा डॉट टेक्स्ट. और मैं अगर इस फाइल को ओपन करता हूं
तो ये मेरे को दिखा रहा है हेलो दिल्ली डे थ्री, बट गाइज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे यूजर ने डे वन में क्या काम करा। गॉट इट माई पॉइंट? यूजर ने डे वन के अंदर क्या काम करा था? वेलकम टू इंडिया, यही था ना। बट यूजर तो मैं चाहता हूं कि यूजर का मैं देखना चाहता हूं कि उसने डे वन क्या काम करा है। तो यूजर ने तो डे वन का काम ही डिलीट कर दिया। लाइक यू आर ए डेवलपर, आपने डे वन कोई वेबसाइट बना के मेरे को दिखाई, बट मैंने कहा यार ये साइड नहीं, आप इसको चेंज करो। आपने क्या करा, उस कोड को डिलीट कर दिया। सेकंड दिखाई, मैंने कहा इसको भी चेंज करो। फिर आपने सेकंड डे दिखाई, मैंने कहा नहीं यार ये भी नहीं, आप फिर से नहीं बना के दिखाइए। आपने थ्री थर्ड वेबसाइट बनाई हेलो दिल्ली के नाम से। अब मैंने कहा नहीं यार ये भी सही नहीं, आप एक काम करो जो पहली वाली बनाई थी ना वो ही बेस्ट है। तो पहली वाली तो आपने डिलीट कर दी, तो वो रिकवर हो पाएगी गाइस? आपको दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा, यस और नो एवरीवन? दोबारा से कोड यस लिखना लिखना पड़ेगा पड़ेगा या नहीं दोबारा, लिखना पड़ेगा? यस सर दोबारा लिखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट सदर, सौरभ, तरुण, रजत, क्या कहते हैं आप लोग? साहिल, सर शायद कोई तरीका होगा जो आप बताओगे। यार मैं जो बताऊंगा उसको छोड़ो ना, फिलहाल बताओ। भजनिंग से तो मिल जाएगा सर। यार वर्जनिंग तो अभी आओ नहीं ना यार, मैं आपसे सिस्टम पे पूछ रहा हूँ। अब आप वर्जनिंग लेके आ रहे हो, तो समझ में आ गई आपको वर्जनिंग क्या है? तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैंने वर्जनिंग करी हुई है, तो वर्जनिंग मेरी डे टू डे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखती है। यानी कि यहाँ पर मेरे को एक्टिव डेटा दिखेगा, बट अगर मैं देखना चाहता हूँ प्रीवियस डेटा, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन शो वर्जन। ये ऑप्शन आपका तभी आएगा जब आपने वर्जनिंग इनेबल करी हुई है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन शो वर्जन। तो देखिए मैंने डेटा की तीन फाइल्स अपलोड करी थी, तो वो आपको एक्टिव फाइल दिखा रहा है, लेकिन ये रही आपकी पुरानी वाली फाइल। अगर आप पुरानी वाली फाइल देखना चाहते हो, राइट क्लिक एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब। वेट एक मिनट, नॉट गाइस माइक ऑफ कर लिया करो। अजय सपना, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एससीपी और आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड ओपन। तो देखिए वेलकम टू इंडिया डे वन वर्क। अगर मैं डे टू का देखना चाहता हूं, आई एम जस्ट क्लिक ऑन डे टू, सो दिस इज माय डे टू। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने क्या इनेबल करी हुई है, वर्जनिंग इनेबल करी हुई है। सो आप अपना प्रीवियस वर्जन भी, प्रीवियस वर्क भी देख सकते हो आफ्टर इनेबल द वर्जनिंग। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी तभी इनेबल होगी जब आपकी वर्जनिंग इनेबल हो रखी होगी। तो गॉट इट दीज ऑल पॉइंट्स, लाइक व्हाट इज स्टोरेज अकाउंट, हाउ टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, हाउ टू इनेबल वर्जनिंग, हाउ टू इनेबल रेप्लीकेशन, हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस, हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस विद स्टोरेज अकाउंट एंड विद अ मेल बॉक्स। गाइस वीडियोस आप बाद में देख लेना, किसी का माइक ऑन हो रखा है यार। तो इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, सौरभ क्लियर है? तो ओके सर, बताइए इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? कंटिन्यू कर दो आप। व्हाट अबाउट सदर? गाइस व्हाट अबाउट सदर, देयर आर 10 कैंडिडेट्स इज अवेलेबल, रिप्लाई एवरीवन। यार बादल, दिलीप, राजेश, सौरभ, साई, तरुण, कर सकते कंटिन्यू अगर टॉपिक तो लंबा नहीं है कंटिन्यू तो। कर लो। नाउ नाउ यार कर ले। सो नाउ गाइस, अगर आपको पता हो कि हम लोगों ने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, वी हैव डिप्लॉय द वेबसाइट। तो आप चाहते हो कि अभी तक आपने जो भी वेबसाइट डिप्लॉय करी थी वो एक कंप्यूटर, एक सर्वर बनाते थे और उस सर्वर पे जाके आप वेबसाइट अपनी डिप्लॉय करते थे। नाउ यू कैन डिप्लॉय द वेबसाइट थ्रू आ स्टोरेज अकाउंट आल्सो। आप अपनी वेबसाइट स्टोरेज अकाउंट के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हो, बट ओनली स्टैटिक वेबसाइट। यू कैन डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट, तो आप वाया स्टोरेज अकाउंट अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है कि आपने एक बार जो पेज बना दिया, आप उसमें रूटीन में कोई चेंजेस नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज अपलोड करेंगे तो उसको आपको मेकअप पब्लिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि जब तक आप उसको पब्लिक राइट्स नहीं देंगे तो वो वेबसाइट आपकी वैन में एक्सेसिबल नहीं होगी। दैट्स वाई कि यू कैन जस्ट टेक अ पब्लिक एक्शन। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट अ हाउ टू डिप्लॉय द स्टैटिक वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपलोड अवन वेबसाइट इन अ स्टोरेज अकाउंट। तो आई एम जस्ट गो टू द स्टोरेज अकाउंट और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैं एक वेबसाइट अपलोड कर देता हूँ। सो ऑलरेडी आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड एंड एड फोल्डर, क्योंकि वेबसाइट्स के अंदर फोल्डर्स भी हैं। सो आई एम जस्ट गो ऑन डी ड्राइव एंड यहाँ पर वेबसाइट होगी पोमेटो, दिस इज अ वेबसाइट। सो आई एम जस्ट टिली अपलोड अ JS फोल्डर ऑफ दिस वेबसाइट, देन एड फोल्डर, JS फोल्डर्स के बाद आई एम जस्ट अपलोड अ इमेज फोल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, एड फोल्डर, देन आई एम जस्ट अपलोड अ आइकन फोल्डर ऑफ दिस वेबसाइट। तो जो भी इंटायर वेबसाइट है मैंने अपलोड करनी है यहाँ पर, देन एड फोल्डर, देन आई एम अपलोड अ CSS फोल्डर। तो गाइज ये सारे फोल्डर्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, एज वेल एज आई एम अपलोड अ फाइल, एड फाइल। तो कुछ फाइल्स भी मेरी होती हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग डी ड्राइव एंड पोमेटो मेरी इज वेबसाइट, और यहाँ पर पोमेटो के अंदर जो मेरी फाइल है, दिस इज माई ऑल फाइल्स इज अवेलेबल, आई एम अपलोड दिस ऑल फाइल्स एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। यानी मैंने इंटायर पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी अपलोड कर दी। द वेबसाइट साइज इज 1.9 MB, स्टिल इन प्रोग्रेस, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। एंड नाउ क्लिक ऑन क्लोज। तो आप देखिए वो सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पर आ चुके होंगे, लाइक आइकन फोल्डर्स और इमेज फोल्डर, इंडेक्स, तो सारी फाइल्स मेरी अपलोड हो चुकी है। नाउ आई एम जस्ट टिक अ मेक अ पब्लिक। इन फाइल्स को मुझे मेक पब्लिक भी करना पड़ेगा, अगर मैंने इनको मेक पब्लिक नहीं करा तो मेरी वेबसाइट पब्लिश नहीं होगी। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन मेक पब्लिक, और मैंने सारे के सारे जो भी फाइल्स मैंने अपलोड करे उनको मेक पब्लिक राइट्स भी दे दिए कि पब्लिकली ये डिस्प्ले हो सके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट इनेबल द स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस इन अ बकेट। सो हाउ टू इनेबल द स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस इन अ बकेट, यू कैन जस्ट गो टू द बकेट प्रॉपर्टी एंड एंड ऑफ द प्रॉपर्टी यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल द स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इज इट डिसेबल, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट। And now enable, or I'm just give the main file name is index index.html। तो जो मेरा मेन पेज होता है वेबसाइट का, उस वेब पेज का नाम लिख दिया। साथ में मैं एक और पेज यहाँ पे लिख रहा हूँ, error error .html। तो मैंने एक error .html पेज भी बना दिया है, and now save changes। और मैं क्या करता हूँ, एरर डॉट एच टी एम एल पेज मैंने अभी अपलोड नहीं करा है। तो एरर डॉट एच टी एम एल पेज का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट वर्किंग नहीं होती है तो क्या ओपन होना चाहिए। सो मैं कहता हूँ कि लाइक आई एम क्रिएट अ वन पेज, आई एम ओपन इन नोट पैड एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द माई वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। तो मैंने इस फाइल को पेज को सेव कर दिया, सेव एज विद द नेम ऑफ error .html नाम से। तो मैंने एक यहाँ पर एरर पेज भी बना दिया कि अगर मेरा प्राइमरी पेज एक्टिव पेज अगर नहीं चलता है तो मेरी ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो ना। आई एम जस्ट अपलोड दिस पेज इन अ बकेट, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिक ऑन अपलोड, एड फाइल with the select the file in desktop the name of error.html
and upload. Then close. And also I'm just take a public form this page. So error.html page ko bhi main guys public ke rights dunga, make a public. तो गाइस दिस इज कि मैंने अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुली स्टोरेज अकाउंट के अंदर अपलोड कर दिया है. नाउ अब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, सो ये गिव यू द वन एरर. सो यू कैन जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी और गिव यू द वन यूआरएल. दिस इज अ यूआरएल. आप इस यूआरएल के थ्रू अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हो. आई एम जस्ट कॉपी दिस यूआरएल एंड शेयर विद यू गाइस. तो आप इस यूआरएल पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि योर वेबसाइट इज वर्किंग और नॉट. सो आई एम जस्ट पेस्ट दिस यूआरएल in a browser. And see ki the my website is working properly. ye meri website kya ho gayi, yahan pe launch ho gayi. So ye jo website hai meri, ye kahan se chal rahi hai? This website is deployed through our storage account. Now ki agar main storage account se apni websites ke pages ko delete kar deta hu, sir show me the error page on this system. Same URL. So I'm just click on object and now I'm just delete the all objects, only just uncheck the error page and now click on delete. You can delete the delete. और गाइस देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे पेजेस क्या कर दिए, डिलीट कर दिए जो भी मैंने अपलोड करे थे. यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज रह गया error.html. नाउ अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो द माय वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि मैंने प्राइमरी पेज इसको डिलीट कर दिया है. गॉट इट द पॉइंट गाइस व्हाई आई एम क्रिएट अ एरर पेज. कि अगर आपकी वेबसाइट वर्किंग नहीं होगी तो वो आपको एरर पेज का कंटेंट शो करने लग जाएगा. तो अगर आप इस पे नई वेबसाइट कोई अपलोड करते हैं, नाउ आई एम जस्ट अपलोड अ न्यू वेबसाइट. मैं कोई अदर वेबसाइट यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड and then add files. I'm just upload again one more website, going D drive. Now at this time I'm just upload this one website, like a JS folder upload, then add folder images. So now I'm upload the all files. So we just wait. And then click on close. And I'm just take a make a public. So make public bhi main yahan pe kar deta hu isko. Actions and then make a public via ACL. And now I'm refresh. Where kahan gayi hamari website ka web page? Yeah, my website is not working. I'm just refresh. So you can see okay, that my new another website is published. Got it, everyone? How to deploy the static website through the storage account? Yes, sir. Clear. Now you know कि मैंने application भी enable करा हुआ था. तो अगर आप storage 2 पे जाके देखेंगे तो जो भी data मैंने delete करा है वो सारा का सारा data मेरा storage 2 के अंदर available रहेगा. You can see the all data are available. Now I'm to delete. और अगर आपको बकेट भी डिलीट करनी है तो सिंपल सा है, आप डायरेक्ट बकेट भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो. स्टोरेज टू अकाउंट एंड डिलीट एंड देन एम्प्टी बकेट्स एंड क्लिक ऑन परमानेंट डिलीट.
एमडी then exit the image and just click on storage one and then click on delete. But this file is not empty, that's why I'm just click on empty. तो आपके स्टोरेज अकाउंट तभी डिलीट हो सकता है जब वो एम्प्टी होगा, अदरवाइज वो आपका डिलीट नहीं होगा. एंड नाउ अगेन यू जस्ट क्लिक डिलीट देन इट डिलीट गिव द स्टोरेज अकाउंट नेम. तो होप सो गाइस इज इट क्लियर. नाउ आई एम स्टार्ट द न्यू टॉपिक. तो बताइए इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू. Guys, reply, continue या new topic start करूं, please बताइए. Don't wait to another person answer. Sir, enough for today. चलिए, thank you guys, bye bye, all the best, take care, and काफी ज्यादा ठंड हो गई.